डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए इस जन्म में संभव नहीं है। AWPL करने के लिए अगर BMW चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, तो इस जन्म में संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस कंपनी से पहले 14 साल कंपनी किया हूँ। एक कंपनी के बारे में पूछिएगा, उसका प्लान क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसमें बैड हैबिट क्या है, उसमें क्या अच्छा है, सारा चीज बता दूंगा। लेकिन AWPL में जो चार चीजें चाहिए वो नहीं मिलने वाला है। तो दोस्त, मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर हमें सुन रहे या फ्यूचर में सुनेंगे और आप नेटवर्कर हैं और आज भी सपने जिंदा है, तो आंख बंद करके मेरे टीम में मत आइए। अगर मेरे से दुश्मनी है, किसी और से दुश्मनी, पर्सनल किसी से दुश्मनी है, मत आइए, वो बाहर की टीम से ज्वाइनिंग कर लीजिए, लेकिन AWPL ही ज्वाइन करिए। बस एक ही चीज मैसेज देना चाहता हूँ, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मार्केट में बना दोस्तों। आज प्रेजेंट टाइम में इंडिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है और यहाँ तक पहुँचा सकता है। एक ही कंपनी का नाम है, जिसका नाम है AWPL। मैं चाहूंगा एक बार संजीव सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस अचीवमेंट में दोस्त, कहते फेल होने में अपना हाथ हो सकता है, लेकिन सक्सेस में किसी एक का हाथ नहीं होता। मेरा परिवार, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा माता, मेरा पिता, सबसे ज्यादा पड़ोसी, ना वो ताना मारता, ना वो गाली देता, ना मैं यहाँ पहुँचता। मैं सबसे ज्यादा उस इंसान को बोलता हूँ जो मुझे हर टाइम टाइम पे कमेंट किए। मेरे को यहाँ तक ऐसे ऐसे लोग बोले कि ये बिगड़ा हुआ औलाद का बच्चा है, ऐसे ऐसे गालियाँ दिए थे, वो चुभता था मेरे दोस्त। और एक बात बताता हूँ, लोग बोलते हैं BMW मुझे लेना मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन होता तो मैं नहीं लेता। क्योंकि इस गाड़ी तक आने के लिए आपको भूखा पेट सोना पड़ेगा, पेट्रोल गाड़ी में खत्म होगी, धक्का देना पड़ेगा। मैंने जो किया मैं बता रहा हूँ, कभी ऐसे होंगे पंचर हो जाएगी गाड़ी, पंचर बनाने के पैसे नहीं होंगे, वहाँ भी धक्का देना पड़ेगा। और हमारे यहाँ कई लोग ऐसे यहाँ मौजूद हैं, हमें लगता है यहाँ 200 में 100 हमारे जीवन से वाकिफ है, जो 18 साल के अंदर है। मैं 14 साल में जो भी कंपनी में काम किया था, मेरा जो अपलाइन रहा, वो भी आज हमारे यही नीचे यहाँ पे आए हुए हैं, और डाउनलाइन एक भी नहीं जुड़ा हुआ है 14 साल में ये। और यहाँ आने के बाद जो लोग हाथ मिला करके वो रो रहे थे, हमें ब्लेसिंग दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, दुआ दे रहे थे ना, रियल में बोला यार ये गाड़ी कुछ नहीं है, आपके खुशी में था, रो भी मैं रहा था अंदर से, लेकिन सामने वाला मुझे जब हाथ मिला के रोने लगे, सर आपका अचीवमेंट से खुश हूं। दोस्त, ये प्यार बहुत अंदर छुआ आज, और ये कसम खाते हैं लाइव के माध्यम से, ये कसम खाते हैं लाइव के माध्यम से, अब तक स्पीड कम हो सकता है, क्योंकि स्पीड एक i20 का था, अब BMW की है, अब ये स्पीड कम नहीं होने वाली है। एक बात की गारंटी है, कसम खाता हूँ, एक एक बंदे को हाथ पकड़ करके BMW तक ले जाएंगे। बस हमारे ऊपर से जो डायरेक्शन मिलता है हम लोग को फॉलो करते जाना है। दिमाग में प्रॉब्लम जब आती है, नेगेटिविटी आती है, परेशानियां आती है जब टूटते हैं तो, लेकिन इसके लिए हमारे बीच में एक से एक दिग्गज खड़ा है जो पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। मैं फिर से चाहूंगा दुबे सर के लिए, अमित दुबे सर के लिए जोरदार तालियां। उनका एक रील देख लेने से फिर से एनर्जी आ जाती है, फिर से नेगेटिविटी खत्म हो जाती है एक रील देख लेने से। और मैं जब भी नेगेटिव होता हूँ कभी से अब आती है मेरे अंदर, लेकिन एक रील मुझे मोटिवेट करती है। दोस्त, ये कमिटमेंट है, अगले एक साल के अंदर 2 लग्जरी कार ड्रीम उनका, चाहे वो ऑडी ले, BMW ले, मर्सिडीज ले, चॉइस उनकी है, लेकिन अगले साल 2025 में 2 लग्जरी कार लेकर के आ रहा हूँ। और 2025 में जो गुरुदेव 30 में जो गुरुदेव बोले 100 कार, उसमें से 50 कार मेरा रहेगा। सबसे बड़ा अभी तक जो मैं नहीं बोल पाया, ये यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप हमारे सुधारू टीम, और यहाँ हमारे टीम नहीं, हमारे गुरु जी के कोलाइन, हम लोग कोलाइन जिसको बोलते हैं, जो हम लोग इसको बढ़िया बोलते हैं कोलाइन, मतलब जो कोलाइन यहाँ आकर के आशीर्वाद देने के लिए दुआ देने आ गए, इससे बड़ा खुशी नहीं है। यहाँ पर 25-30 लोग ऐसे हैं जो गुरु जी के इंसेंटिव से वो भी आए, सभी को धन्यवाद। और हमारे सभी नेटवर्क और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आप लोगों का कीमती समय मिला, आज जीवन धन्य हो गया। और ये गाड़ी कवर नहीं लगेगी, ऊपर से पर्दा नहीं लगेगी, मार्केट में दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ 8990 नजर आएगा, जिधर जाएगा उधर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। ये एक अलग खुशी है, यहाँ सिर्फ अपलाइन डाउनलाइन नहीं आई है, ब्रदर लाइन भी आए हैं। और ब्रदर लाइन इसलिए आए हैं कि अगर इसका आ सकता है तो हमारा क्यों नहीं, है ना? यस सर। यहाँ भी आग लगती है, लेकिन यहाँ आग BMW दिलाती है। दोस्तों, आज बड़ा अच्छा लगा, मैंने मतलब सर के बारे में इतना डीपली कभी भी मैंने सुना नहीं था, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। क्योंकि जब बताया ना कि जब किक लगता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कयामत ला सकता है, तो BMW क्या चीज़ है। बात सही है बिल्कुल, आज एक बहुत अच्छा मैसेज हिंदुस्तान के उन करोड़ों डायरेक्ट सेलर के लिए है,
जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करके थक गए, परेशान हैं, अपने सपनों को दबा के बैठे हुए हैं, या अब अपने जीवन के साथ समझौता करने लगे हैं, छोटी मोटी नौकरियां पकड़ने लगे हैं, उन सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है जो अभी अशोक जी ने आपको बताया और मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि मेरे दोस्त, आप कमज़ोर नहीं थे और ना ही आपकी मेहनत कमज़ोर थी। कमज़ोर था तो सिर्फ प्लेटफॉर्म। और अक्सर मेहनत तभी रंग लाता है जब इंसान के जीवन में मजबूत प्लेटफॉर्म मिलता है। कामयाबी के लिए आज के समय में इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान अपने आप को तपा रहा है, रगड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी 99% लोगों की सक्सेस सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि मेहनत गलत प्लेटफॉर्म पे करते हैं। मेरे दोस्त, आज पिछले 10 साल के अंदर SLPS वेलनेस ने ये बात को प्रूफ किया है कि अगर प्लेटफॉर्म अच्छा हो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। 2013-14 जिस दौर में हमारी संस्था SLPS वेलनेस खड़ी हुई थी, मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, 13-14-15 का दौर हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग का डार्क स्टेज माना जाता था, क्योंकि उस दौर में या तो कंपनियां बंद हो रही थी, या तो लोगों का विश्वास खत्म हो रहा था, या तो लोग इस इंडस्ट्री से परेशान होकर इस इंडस्ट्री के बारे में घोर निगेटिव थे। 25-25 साल की कंपनियों के ताले लगने शुरू हो गए थे उस दौर में। और उस दौर में हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर संजीव सर ने एक ऐसी नींव डाली SLPS वेलनेस की 9 नवंबर 2014 की, और जिन्होंने एक नारा दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि अगर सच्चाई के साथ, सच्ची लगन के साथ, सच्ची नियत के साथ अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग संस्था का निर्माण कराया जाए तो लोगों की करियर बर्बाद नहीं होगी, लोगों की करियर आबाद होगी। 2014 के बाद AWPL के आने के बाद कम से कम 1200 से ज्यादा कंपनियां मार्केट के अंदर आई, कम से कम 1200 से ज्यादा कंपनियां। लेकिन आज मैं दावे के साथ चैलेंज करके एक बात लोगों से पूछ सकता हूं और आप इसका जवाब देना, 35-35 साल हो गए हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को काम करते हुए, लेकिन मुझे कोई एक कंपनी बता दीजिए जिस कंपनी का कोई एक डायरेक्ट सेलर 8 साल में 10 करोड़ से ज्यादा कमाया हो, है क्या? सिर्फ एक नाम है, SLPS प्राइवेट लिमिटेड। 2014 के बाद से कम 1200 से ज्यादा कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हुई और काम भी कर रही है, लेकिन मुझे कोई एक कंपनी बता दो उन 1200 में से जिसने 1000 करोड़ के टर्नओवर को भी क्रॉस किया। कोई सिंगल नाम है क्या? No. सिर्फ एक ही नाम है मेरे दोस्त, SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। 50 साल से काम कर रही है हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, लेकिन मुझे कोई एक कंपनी बता दो जिस कंपनी में पिछले 8 साल के अंदर 350 से ज्यादा लग्जरियस गाड़ी बाहर आई हो, वही है क्या? No. चैलेंज के साथ बोलता हूँ, है तो कमेंट करके बताना, कोई नहीं मिलेगी मेरे दोस्त, एक ही नाम है, SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और एक और कमाल की बात सुनो, हिंदुस्तान के अंदर एक भ्रांति फैला हुआ है कि जो पहले आता है वही कमाता है। लोग आपको गुमराह करते हैं, लोग तरह तरह की बातें आपको समझाते हैं कि जो पहले आता है वही टॉप पे जाता है। ये बात सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि SLPS वेलनेस से पहले जितनी भी कंपनियां हिंदुस्तान में काम कर रही है उन कंपनियों में जो पहले आया वही आज के डेट में कमा रहा है। लेकिन एक ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर, SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे एक फ्रेशर भी 3 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाया, दूसरा किसी कंपनी का। अगर किसी फ्रेशर को अगर जीवन बदलनी है, किसी एक ऐसे इंसान को जो डायरेक्ट सेलिंग का डी नहीं जानता हो, अगर वो सपना देखता है करोड़पति बनने का, तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है आज हिंदुस्तान के अंदर, उस प्लेटफॉर्म का नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं चैलेंज के साथ पूछता हूँ, कोई एक कंपनी मुझे बता दो जिसमें कोई फ्रेशर 3 साल में करोड़पति बना हो, कोई है क्या? आपके सामने है मेरे दोस्त SLPS वेलनेस। SLPS वेलनेस को छोड़ो, मैं आपको अपनी टीम में बता सकता हूँ, आज मेरी टीम में 110 से ज्यादा लोग डायमंड है, जिसमें 65 लोग ऐसे डायमंड बने जिनको डायरेक्ट सेलिंग का डी तक नहीं पता। इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कब आया। अभी मुझे पता है बहुत सारे बकवास लोग कमेंट भी कर रहे होंगे कि बाकी लोग भैया सिर्फ ताली बजाने आए, नहीं रे भाई, तो गलत फहमी में है। लोग सिर्फ ताली बजाने नहीं आए हैं, लोग ताली बजा के अपनी गाड़ी फिक्स करने आए हैं। yes! बातों से
जवाब नहीं देते हैं, अपन तो ऐसे लग्जरियस कार का लोगो दिखा दिखा के जवाब। झारखंड में अभी तो शुरुआत हुई है मेरे भाई, ये तो ट्रेलर लॉन्च हुआ है, अभी तो इवेंट बाकी है, प्रमोशन बाकी है और पूरी पिक्चर रिलीज होना बाकी है। सोचो कैसा होगा सीन जब आप सारे लोग 100 लोग अगले 5 साल के अंदर 8990 गाड़ी से रांची के सड़कों पे निकलते हुए नजर आएंगे। जो लोग आज बोलते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग में करियर नहीं बनती, वही दांतों तले उंगली दबाएंगे, बोले काश उस समय आ गया होता। और कमाल की बात सुनो, जितने भी कर्ज में भरे हुए लोग हो भैया, तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है। देखने के बाद यहाँ कोई ऐसा मर्द होगा जो यहाँ से जाने के बाद सोने वाला है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब यहाँ से जाने के बाद कोई ऐसा मुर्दा होगा जिसके सपने मरे रहे होंगे। और आपके अंदर एक बूंद भी खून होगा ना मेरे दोस्त, तो यहाँ से जाने के बाद इतनी मेहनत करना जब ऐसी गाड़ी आपके पैरों के एक्सीलेटर के नीचे ना आ जाए तब तक मेहनत करना। क्या करना चाह रहे हो? मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, गाड़ियां कोई अपलाइन आपको नहीं दिला सकता, अपलाइन चाबी देने आ सकता है। अपलाइन का रोल क्या है? अपलाइन का रोल है आपको गाइडलाइन देना, अपलाइन का रोल है आपको रास्ता दिखाना, अपलाइन का रोल है जब आप गिरो तो पकड़ के उठाना। यस या नो? गाड़ी तो खरीदना है तो अपने बूते ही खरीदना पड़ेगा। यस या नो? यहाँ से जाने के बाद ऐसा मत सोचना कि सुमित सर ने 100 बोला है तो हम उसमें अपना नाम दर्ज करा सर घुसेड़ दे, अपना नाम डाल दे। भैया ये प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है। आया ना? ये AWPL की गाड़ी बांटो योजना है जहाँ मेहनत करना। बता रहा हूँ जो लोग मौजूद हैं या जो लोग 2 साल से काम कर रहे हैं, अगर वो मेहनत नहीं किए तो उनके हाथों में गाड़ी की चाबी नहीं आएगी, लेकिन जो आज रेसर बन के ब्रोंज बन के यहाँ खड़ा होगा, अगर उसने मेहनत कर दिया तो अगले 5 साल में उसके हाथ में ये गाड़ी आने वाली है। लेकिन आपको लगातार काम करना पड़ेगा, करने के लिए तैयार हो। कई लोगों की मेरे से शिकायत होती है, गुरुजी लोगों से शिकायत होती है कि सर हमें आपका कब टाइम मिलेगा? तो दोस्तों आज मैं अनाउंस करना चाहूंगा, आपको हम बिल्कुल पर्सनल टाइम देंगे और पूरे दिन का टाइम आप ही के लिए देंगे। आपको लग्जरियस गाड़ी 8990 खरीदनी पड़ेगी। 31 दिसंबर 2026 अब मुझे 1 करोड़ से ज्यादा की कार आएगी सर। 2 लोगों का तो आ गया। अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मेरा टाइम चाहते हैं? रवि सर मैंने बता दिया, जिस जिसको टाइम चाहिए डेट पहले से नोट करा देना, कोई आए ना आए मैं जरूर आऊंगा, गारंटेड है। अब आज देखो अशोक जी से पहले हम बहुत क्लोजली बैठ के बातचीत नहीं होते थे, लेकिन आज हम पूरे दिन किसके लिए आए हैं? अशोक सर के लिए। ये दौर अगर आपको देखना है मेरे दोस्त, आपको गुरुजी महिपाल सर का टाइम पर्सनल मिलेगा, श्री कुमार सर का टाइम पर्सनल मिलेगा, कंपनी रॉयल एम्बेसडर एंड एवर लीडर्स का टाइम पर्सनल चाहिए। बड़ा आसान काम है लग्जरियस गाड़ी खरीदना। क्या तैयार है? yes! चलिए दोस्तों अब वक्त हो गया है इस गाड़ी को वास्तव में आपके बीच लाने का। हाँ या ना? yes! आपको एक बात के लिए खुश होके जाना, ये गाड़ी अशोक जी की नहीं है। yes! अपलाइन का काम है गाड़ी की EMI भरना, अपलाइन का काम है गाड़ी में तेल डालना। यस या नो? ओरिजिनल इसके मजे तो तुम लोग लेने वाले हो। यस या नो? यस। कौन करता है? ऑनलाइन टीम। तो ये गाड़ी अपलाइन की है, इस बात के लिए RC में नाम इनका दिखेगा, नेम प्लेट को जब सर्च करोगे तो नाम इनका आएगा। yes. तेल भरवाने का खर्चे इनकी रहेगी, गाड़ी टूट फूट जाए तो बनवाने की जिम्मेवारी इनकी है, लेकिन गाड़ी भगाने की जिम्मेवारी किसकी है? टीम की। गाड़ी में मजे कौन लेने वाला है? हम लोग। चलाओगे? यस। चलाओगे? यस। चला ले
देना, हर सेंटर पे घुमा देना और फिर देखना आपकी गाड़ी फटाफट कैसे आ जाती है। यस यार है, अब इस गाड़ी की उद्घाटन करते हैं, इस गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ा के आपके बीच में गाड़ी का जलवा भी दिखाते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए फिर से। फोटो फोटो, थोड़ा जगह दे दीजिए, थोड़ा जगह दीजिए, गाड़ी निकलेगी बाहर। पीछे चलिए, गाड़ी बाहर निकलेगी, बाहर से लोग हट जाइए, पीछे जाइए, उस साइड जाइए। अरे हम लोग पीछे गए, एक मिनट नीचे गए, नीचे गए आप अपने नीचे गए सर, ऐसे करो ऐसे। मदन सर एक मिनट, मदन सर हम ले रहे आ गया सर, क्या कर रहे हो? मैं ले रहा हूँ। शेयर कर दिया, हम वीडियो बना सर, हम बिजी कर देखो, यहाँ से जाने से पहले क्या करना है, हर एक इंसान इस गाड़ी के साथ और गाड़ी लेने के वाले के साथ फोटो जरूर ले लेना है। यस सर, यस सर, यस यानो। और ये फोटो जाने से पहले जिन जिन को आपने प्लान दिखाया था सबको भेजना है। यस यस, और बोलना है ज्वाइन मत कर लेना। क्या बोलना है? ज्वाइन मत कर लेना, ज्वाइन मत कर लेना, 6 महीने बाद दूसरा भेजूंगा। अगर आप ये कर गए तो समझो लाइन लग जाएगी। तैयार है? बारी आप लोगों की, आप लोग आइए अपने अपलाइन के साथ, अपने लीडर्स के साथ, इस गाड़ी के साथ फोटो कीजिए। और आप सबको अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं एक शानदार कार के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।